तो आपका पहला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। बहुतों का ये क्वेश्चन था कि भाई ब्लैक बुक आपने बता तो दी, लेकिन उसको रटे कैसे, याद कैसे करें। सुनो, दूसरा है भाई बायोलॉजी। हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम उठे सुबह 2 बजे, 2:30 बजे हम पढ़ने बैठ गए। फिर दोबारा से अपना भाई रूटीन है भैया, सिनोनिम एंटोनिम किए हमने, 10 सिनोनिम आगे के, 10 एंटोनिम आगे के, और पहले पीछे का हमने रिवाइज़ किया जैसे आप सभी को पता है। फिर हमने OWS उठाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5:30 बजे तक हमने यही किया, और idioms और phrases आगे के 20 किए, और OWS आगे के 20 किए, पीछे तक का जितना भी था वो सारे रिवाइज किया। ये हम 5:30 बजे गए घूमने, बाहर थी बहुत ही धुंध, बहुत ही ठंड। उसके बाद हमने फिर दोबारा से एक बार, आज भाई हमें वो कैब याद करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो हमने आज वो कैब याद की है। और भैया उसके बाद आज हम नहीं पढ़े क्योंकि घर पे कुछ रिलेटिव्स आ रहे थे मकर संक्रांति, है इस वजह से। तो अब आगे आप सवाल और जवाब देखो भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता किसी, कोई कभी कुछ कारण हो जाता है, कभी कोई रीज़न हो जाता है। तो आज हम आपके सवाल जितने भी हैं और उनके, यार मैं कर देता हूँ क्योंकि मैसेज करते करते यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। भाई जो मैंने स्टडी आई क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर डाल रखी है ना, मेरे को लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है। तो क्योंकि वो MCQs हैं और MCQ रटना विदाउट मतलब डिस्क्रिप्टिव कुछ पढ़े, थ्योरी पढ़े, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, वो याद भी नहीं रहता इतना। तो आज मैं अपडेट कर दूंगा, आज या कल मैं से अपडेट कर दूंगा उस करंट अफेयर के चैनल को। टेलीग्राम का चैनल का लिंक बायो के अंदर है, आप जाके देख लीजिएगा। और अपने तरफ से मैं बहुत बढ़िया PDF डालूंगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें पूरी थ्योरी होगी, 50-60 पेजेस होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप उठा लो उसमें 50-60 पेज ही देते हैं वो, और एक महीने की वो इनफ होती है, उसमें थ्योरी पूरी आ जाती है, उसके बाद आपको करंट अफेयर में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है भाई बायोलॉजी। बहुतों का ये क्वेश्चन था कि भाई बायोलॉजी हमें आप बता तो दिया आपने किरण से कर लो, लेकिन किरण से हमें याद नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो समझ में नहीं आती। तो भाई मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि बायोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ, जैसे ही एक क्लास कंप्लीट होती है तो उसका अलग से मैं आज बना दूंगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही एक क्लास के मैं नोट्स बना लेता हूँ पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट, तो वो एक क्लास आपकी PDF बना के मैं अपलोड कर दूंगा, वो निकलवा लेना। डेली की 40-50 क्लासेस होंगी, कोई बात नहीं है, 3 महीने में बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। बायोलॉजी करना है ये, और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए तो बता ही दिया, पॉलिटी के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने ज्वाइन नहीं किया हो। और हिस्ट्री आपको किरण से ही करनी है। अच्छा, दूसरा है भाई परसेंटेज की सीट। जिस भाई ने भी नोट्स ले रखे हैं ना, तो वो ये बोल रहे थे कि भाई परसेंटेज की सीट जो क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं और आपने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना वो अलग हैं। तो वो आज मैं अपडेट कर दूंगा, शाम तक ड्राइव में जाके देख लेना, वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको और उसके ही वही सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आज बात आ जाती है वो कैब की। वो कैब में क्या करना है भाई, बहुतों का ये क्वेश्चन था कि भाई ब्लैक बुक आपने बता तो दी, लेकिन उसको रटे कैसे, याद कैसे करें, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड idioms phrases, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई सिंपल सा तरीका निकालो। तो भाई इसका तरीका सिर्फ इतना सा ही है कि कोई भी भाई जो ये वीडियो देख रहा है उसके आस पास में कोई भी हो जिसको पावर पॉइंट की अच्छी नॉलेज हो, या फिर जो मतलब बढ़िया तरीके से PPT बनाना जानता हो, और पावर पॉइंट में एक चीज़ होती है मॉर्फ ट्रांजिशन, उसकी उसको अच्छे तरीके से जानकारी हो, भाई वो मेरे से बात कर लेना। पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वो PPT बना देना, मैं आपको कंटेंट मैं देऊंगा, आपको सिर्फ वो PPT बनवानी है, आप मत बनाना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है भाई। किसी कोई आपका आस पड़ोस का कोई भी मतलब लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आपका पर डे आपकी 10 मैं एंटोनिम और 10 सिनोनिम मैं करवा दिया करूँगा वहाँ से, और बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगा क्योंकि निमोनिक्स के साथ होंगे, पिक्चर्स के साथ। अब बात करते हैं भाई, बहुत लोग बोल रहे थे कि MCQ जो मैंने डाल रखे हैं, जो 1999 से लेके और 2023 तक के जिक के जितने भी MCQ मैंने डाल रखे हैं हिंदी के अंदर टेलीग्राम के ऊपर, वो MCQ 20-25 हज़ार होंगे वो,
भाई वो हिंदी में ही मिलेंगे, मेरे को भी हिंदी में मिले थे, इंग्लिश में वो अवेलेबल नहीं हो सकते। प्लीज़ ये बात बार बार मत कहना मेरे से, क्योंकि मैं ये बात कहते कहते भाई थक गया हूँ। वो मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई इंग्लिश में MCQ मिल जाएंगे, भाई नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, ना ही अवेलेबल हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई कंपाइल करने वाला इनको है नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को तो हिंदी में मिले थे। अच्छा, अब कह रहे थे कि भाई नोट्स आप ज़्यादा महंगे दे रहे हो, 100-200 रुपये में दे रहे हो आप मैथ और इंग्लिश के। भाई 200 रुपये भी अगर आपको महंगे लगते हैं ना, और भाई मैं 200 रुपये भी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने मेहनत की उसके ऊपर, और भाई दिन रात मेहनत की है। और आप नोट्स ना एक बार देखना, एक बार जाके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 35 लाख बच्चों में से जितने भी पेपर देते हैं CGL के, अगर एक ने बना रखे होंगे ना, मैं जॉब और तैयारी दोनों छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे नोट्स बना रखे हैं तो भाई। और मैं ये चाहता हूँ, मैं फ्री देने को फ्री में दे दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता है क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप उन नोट्स को पढ़ो, उन नोट्स की इज्जत हो, क्योंकि उसके ऊपर है ना मैंने मेहनत कर रखी है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाई जिसको लेना वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके, टेलीग्राम के ऊपर मैंने नंबर सिस्टम और 3D डाल रखे हैं, एक बार जाके चेक कर लेना, नाउन और नाउन के प्रैक्टिस डाल रखी है, एक बार जाके चेक कर लेना। जिसको भी लेना हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे डेमो के लिए। आपको 2 टॉपिक मैथ के और 1 टॉपिक इंग्लिश का दे रखा है। अच्छा, एक लास्ट एक भैया का क्वेश्चन था कि भाई मैंने मैथ का कोर्स और कहीं से ले रखा है, और क्या कहते हैं कि कौन सा टीचर बढ़िया रहेगा। ये भाई टीचर सब बढ़िया होते हैं, आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हो, ठीक है भाई। ये बात होगी कोर्स, और भाई जिसके कोर्स कंप्लीट है, पहले बता रहा हूँ, जिसका कोर्स कंप्लीट है, जिसने नोट्स बना रखे हैं, वो मेरे से नोट्स ना लें, मेरे से नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, वो अपने नोट्स याद करे, अपने नोट्स की प्रैक्टिस करे, ठीक है। जो भाई ये बोल रहा है, हाँ, और लेकिन जिसका भी, जिसको ये लगता है कि भाई मेरा सितंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को मॉक भी देने हैं, मेरे को प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो मेरे को मेरे से ले सकता है। लेकिन लेने से पहले ना एक बार जो मैंने डेमो के लिए जो नोट्स डाल रखे हैं ना मैथ और इंग्लिश के, वो एक बार ज़रूर देख के आना भाई। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर इंसान का भाई मैसेज मतलब रिप्लाई दे पाऊँ, फिर आप बुरा मानो इस चीज़ का कि भाई मतलब ये तो एटीट्यूड में हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं रहता, पढ़ता भाई मैं भी हूँ। और भाई एक मैं 10 तारीख कल है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख को ये लोग अपडेट कर रहा हूँ भाई, कल 10 तारीख है, 10 तारीख को मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, 3-4 घंटे में गायब रहूँगा, और भाई बहुत जिम्मेदारी है यार मेरे ऊपर, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ फिलहाल पढ़ने पर, पढ़ाई पढ़ी की बात ऐसी है भाई कि मैं रिपीटर हूँ भाई, ठीक है। मैं आप लगभग सारे स्टूडेंट मेरे मतलब अपने YouTube चैनल पे ऐसे हैं, टेलीग्राम पे ऐसे हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन कईयों ने दिया नहीं है, दिया उनका पहली बार है, तो भाई उनके लिए बता दूं भाई मैं रिपीटर हूँ, मैं 2 महीने में कर जाऊँगा जो करना होगा मेरे को, और ऐसी बात भी नहीं है भाई, मैं तुम्हारे साथ मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं व्लॉग डेली अपडेट किया करूँगा, सारी चीज़ें डेली अपडेट करूँगा। और भाई जिसको वो जो वो कैब वाला है ना भाई, आपके आस पड़ोस में कोई भी वो कैब मतलब लिख सकता है, उसको मतलब अच्छे तरीके से ट्रांजिशन वगैरह लगा के अच्छे तरीके से समझा, मतलब बोलूँगा मैं ही, सिर्फ वो PPT दे दे मेरे को बना के, ठीक है। पैसे वैसे कोई टेंशन नहीं, पैसे मैं दे दूँगा, जितने होगी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात के लिए मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बायो के मैं नोट्स बना दूंगा, करंट अफेयर की वीडियो ना करंट अफेयर के PDF अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्टिव वाले पूरे। और भाई बस इतना ही था आज का, आज की वीडियो को ही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कल मिलते हैं आपको।